वेलकम टू बैक शेख साइंस चैनल, वी आर अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा जी कैनवा के तरह हम इंस्टाग्राम स्टोरी कैसे बना सकते हैं। सेम वही स्टेप्स हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया। और सबसे पहले जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो तो आपको पहुँच जाए आराम से। तो कैनवा से हम आज बनाने सीखते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी। जी कैनवा ओपन हो गया तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, ये ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करें तो ये जी आपके सामने बहुत से यानी कि टेम्पलेट्स आ रहे होंगे। सेम वही ऑप्शन है, कोई भी सिलेक्ट करें और अपने हिसाब से एडिट कर लें आप। ये कैनवा प्रो था, कैनवा प्रो जो है ना बेसिकली ये पेड है, यानी कि ये आपको पैसे दे के करना पड़ता है, इसलिए हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें जी, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अब न्यू ईयर के इवेंट की स्टोरी है तो इसका कोई मसला नहीं है। या आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ से आप टेम्पलेट सर्च करके जिस इवेंट के बारे में भी आप बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं। यहाँ से कोई अगर आप और मज़ीद एलिमेंट डालना चाहते हैं तो ये देखें जी, ये एक एलिमेंट आ रहा है। ये देखें जी, ये आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये देखें जी, तो ये देखें जी हमने तो ये देखें ऊपर आप नज़र आ रहा होगा। कोई आप शेप्स लगाना चाहते हैं, कोई और ग्राफिक्स लगाना चाहते हैं तो ये आपके सामने है। सर्च करके आपने जिस चीज़ के बारे भी एलिमेंट लगाना है, कोई यूट्यूब का आइकन लगाना है, वो भी आपको यहाँ सारा कुछ मिल जाएगा। तो आपने अगर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, वो आपको मैंने सारा बताया हुआ पिछली वीडियोस में, यहाँ से आप पिक्चर अपलोड करें। कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो ये जी ऐड अ टेक्स्ट बुक पर सिलेक्ट करें और ऐड करें। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएगा यानी कि जो आप बना चुके हैं इस पर अभी तक। तो ये देखें जी, ये उससे नीचे आपको ऑडियो का बटन दिखा रहा है जी, यहाँ से आप ऑडियो का सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो, कोई डांस वगैरह की यानी कोई गाने की, किसी पिक्चर के गाने की ऑडियो या फिर एडवर्टाइजमेंट, कोई भी आप सर्च करके आप यहाँ से लगा सकते हैं। यदि यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड की ऑप्शन है, कोई भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बैकग्राउंड आ गया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये सबसे ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे डिज़ाइन, यहाँ से आप डिज़ाइन भी यानी कि अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपके पिछले प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टाइल्स, स्टाइल के अंदर ही भी आप देखेंगे कितना अच्छा लगेगा आपको। ये देखें जी, ये स्टाइल आपको नज़र आ रहा होगा, कोई वर्डिंग चेंज हो गई है, ये भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ यानी कि स्टाइल हैं, यहाँ अपने हिसाब से आप चेंज कर लें, ये मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, तो आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। ये जी एनिमेट का ऑप्शन आ गया, जैसे कि ये देखें, ये देखें पार्टी पे मैंने सेलेक्ट किया तो वैसे वर्ड्स आ रहे हैं। डिस्को भी सिलेक्ट करूँगा तो देखें जी वर्ड्स कैसे आएंगे। ये देखें फन पे सिलेक्ट करूँगा तो यानी कि आप सारा कुछ इससे कर सकते हैं। तो फाइनल आपको ऑप्शन पता है कहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं, शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे,
यहाँ से जी आप डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।